साहिब, तो अभी हम मौजूद हैं समाज सेवी जीवन यादव के कार्यालय पे, और आपको पता है कि हर रविवार को यहाँ पर मेडिकल शिविर का आयोजन किया जाता है, वो भी मुफ्त में। दवा और चिकित्सा दोनों यहाँ पे मुफ्त में दिया जाता है, डॉक्टरों का परामर्श भी फ्री में यहाँ पे किया जाता है। तो अभी देखिए जीवन यादव मौजूद है और यहाँ पे लोग भी आ चुके हैं, और करीब अनुमान लगाया जाता है कि हर रविवार को करीब 2000 से 3000 लोगों का इलाज यहाँ पे मुफ्त में किया जाता है, वो भी दवा के साथ। तो आज खैर ये इस बार का जो रविवार है काफ़ी मायने में देखा जाए तो अलग है, क्योंकि इस बार गोरखपुर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर लोग हैं वो भी सिवान में आए हुए हैं जीवन यादव के आह्वान पे और उनके कार्यालय पे, और वो सारे डॉक्टर लोग आ भी चुके हैं, और कुछ ही देर में जीवन यादव का माध्यम से उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, और उन्हीं के लिए यहाँ पे जो मरीज आए हुए हैं सिवान के क्षेत्र के अगल बगल गाँवों से उन लोगों का इलाज भी होगा। तो आइए जानते हैं जीवन यादव से कितना डॉक्टर आ रहे हैं गोरखपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तो कितना डॉक्टर गोरखपुर से जा रहे हैं सिवान में? सिवान में गोरखपुर से डॉक्टर आ चुके हैं, कुछ और कुछ आ गए हैं, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। हर प्रकार के, जैसे हम लोग हर 8 डॉक्टर बैठाते हैं, इसमें आँख और हड्डी विशेषज्ञ हैं, चेस्ट विशेषज्ञ और दांत, जो दांत के डॉक्टर हैं, प्रसूति वाली हैं सुनीता मैडम, एक और मैडम है। जितनी भी बीमारियां होती हैं सबके स्पेशलिस्ट को हम लोग हर बार बुलाते हैं, हर संडे को नए डॉक्टर रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। हर संडे को हम चाहेंगे कि ये बात दूर तक पहुंचे, और सिवान के हर क्षेत्र से लोग आए हैं यहाँ पे, निःशुल्क इलाज कराएं, निःशुल्क दवा लें, और निःशुल्क ऑपरेशन भी करवाएंगे। अगर कोई बड़ी बीमारी है जो मेरे क्षमता के अंदर में है, जिसमें ऑपरेशन होता है, जिसमें पथरी हो गया, ये सब हो गया बीमारी, जो सिवान में ऑपरेशन हो सके वो मैं अपने सुविधा से ऑपरेशन भी करवा रहा हूँ, करवाता हूँ। इसके पिछले वाले संडे की बात की जाए तो रामनवमी था, उसके बावजूद भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ था, और उसके पिछले संडे की बात की जाए तो अगर पिताजी का सीरियस तबियत खराब था उसके बावजूद भी ये कैंप लगा हुआ। अरे इस बार भागशाली हम खुद कैंप में हैं, और देखिए कि काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये जो प्रत्येक रविवार सिवान में इस तरह से शिविर लगे तो जो गरीब असहाय लोग हैं वही आते हैं इलाज कराने, उन लोगों के लिए सुविधा होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हर संडे को सर लगेगा कैंप यहाँ पे, तो जो सिवान के हॉस्पिटल जो डॉक्टर लोग हैं, अरे तो वही लोग तो आ रहे हैं यहाँ पे सेवा देने का, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं बैठ के इलाज कर रहा हूँ, वही डॉक्टर में से डेली कोई ना कोई आता है। वो लोग भी चाहते हैं कि सिवान में हर डॉक्टर चाह रहे हैं कि एक दिन निःशुल्क वो लोग भी अपना समय दें और दवा दें। सर मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवा के लिए तो सरकारी हॉस्पिटल का नाम आता है, लेकिन सिवान के जनता के अंदर वो मानसिकता बढ़ चुका है कि मुफ्त में दवा लेना है, मुफ्त में इलाज कराना है तो जीवन यादव के कार्यालय पर जाइए। तो क्या लगता है ये सरकार का जो देखिए एक बात, अब कंप्लेन सरकार पे नहीं करेंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डॉक्टर हैं कि नहीं ये भी हम कभी गए नहीं है, और दवा मिलता है कि नहीं मुफ्त में ये भी हम नहीं जानते हैं, ये लोग आप ही पता कर लीजिए। मुझे जहाँ तक जानकारी है तो वहाँ सुविधा नहीं है, तो अभी हमारे क्या सिवान के जनता के लिए सरकारी हॉस्पिटल ये जीवन यादव कार्यालय बन गया है। बहुत जल्दी हम प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर बैठेंगे और सरकारी सिस्टम की तरह, सरकारी सिस्टम की तरह फ्री में इलाज होगा, फ्री में दवा मिलेगा, ये परमानेंट रहेगा, बहुत जल्दी व्यवस्था में करेंगे। तो जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या अपील कीजिए? अपील करेंगे कि अपने क्षेत्र के वो हर असहाय को यहाँ भेजें, जिनको जानकारी नहीं है मोबाइल द्वारा और नहीं चलाना जानते हो, और बहुत ऐसी अभी क्षेत्र है जहाँ मोबाइल की सुविधा नहीं है, जो नहीं जान पाते हैं कि कहीं शिविर लग रहा है, तो वहाँ तक ये मैसेज पहुँचा कि शिविर लग रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, आप जाइए वहाँ इलाज कराइए। किसी प्रकार की किसी को असहाय है, बहुत दूर है, आने जाने में परेशानी है, तो वो किराया अगर नहीं भी होगा तो आए यहाँ पे किराया भी हम उनका जो टेम्पू का भाड़ा होता है वो हम दे देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे साथ मौजूद है अभी समाज सेवी जीवन यादव, और इनका साफ का नाम है कि ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जब तक हम सिवान में रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा रहेगा खून का, तब तक मैं ये कैंप लगाता रहूँगा और लोगों की सेवा करता रहूँगा। उसको नहीं पता है कि सरकार की इस योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अपने माध्यम से जितना भी हो सके उतना मैं करने का कोशिश करूँगा, और जनता के लिए ही मैं गोरखपुर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग हैं उन लोगों का टीम भी यहाँ पर आ चुकी है जीवन कार्यालय पर, और कुछ ही देर में उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसके लिए